अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा तो तुर्की पर सख्त पाबंदियां लगा देंगे। अमेरिका का बड़ा ऐलान, तुर्की का मुंह तोड़ जवाब भी सामने आ गया। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अमेरिका ने खबरदार किया है कि अगर तुर्की ने रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी की डील को पाया तकमील तक पहुंचाया तो वो तुर्की पर सख्त पाबंदियां लगा देगा। उधर तुर्क वजीर खारजा मौलोद चावलिश ओलो ने रूस के साथ डील रोकने के लिए अमेरिकी कोशिशों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए दो टोक अंदाज में कहा है कि तुर्की अपने दिफा के लिए रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी हर कीमत पर लेगा। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक तुर्क को पैट्रियाट दिफाई मिसाइल सिस्टम की फरोख से इनकार के कई वर्ष बाद अमेरिकी वजारत खारजा ने कांग्रेस को आगाह किया कि इसने इस इकदाम की तजवीज पेश की थी। इस काविश का मकसद अंकरा को मजबूर करना था कि वो रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के समझौते से पीछे हट जाए। इसलिए ये डील नेटो के जेरे इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के राजों के लिए खतरा बन सकती है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा है कि रूस के साथ डील के जवाब में अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के तैयार करदा F-35 लड़ाका तैयारों की तुर्की को फरोख रोक दी जाए। तुर्क वजीर खारजा ने वाजे किया कि यह कोशिश बैनुल अक्वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, अमेरिका की उजारादारी बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया को देख लेना चाहिए कि डिक्टेशन और अपनी मर्जी मुसल्लत करने का असलूब दम तोड़ चुका है। तुर्क वजीर खारजा का मजीद कहना था कि हम रूस के साथ मायदे पर कार बंद हैं, हम ये मिसाइल सिस्टम किसी तीसरे मुल्क को फरोख करने के वास्ते नहीं खरीद रहे, अपनी खास जरूरियात पूरी करने के लिए उसे खरीद रहे हैं। और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।